की आह्वान पे देश स्वच्छता का श्रमदान कर रहा है, अपने दायित्व निभा रहा है। काल पूज्य बापू जी का जयंती है, पूज्य लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती है। उन्होंने इस देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण बीड़ा उठाया था। स्वाधीनता के उपरांत देश के किसानों में जन भागीदारी करते हुए जय जवान जय किसान की नारा दिया था। वैसे ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की पूरा नागरिकों को एक घंटे की श्रमदान के लिए आह्वान किया था। उसी आह्वान की कड़ी में मैं आज मेरे मित्रों के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय की परिसर में आया था। यहाँ हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ, माननीय अध्यापकों के साथ, माननीय सफाई भाई बहनों के साथ, सफाई कर्मचारी भाई बहनों के साथ और आम नागरिकों के साथ और आप लोगों के साथ पूरा एक घंटे का सफाई का अभियान पूरा किए हैं। ये एक जनभागीदारी का अनोखा प्रयास है। आज ऐसी स्थिति आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल राजनीतिक व्यक्ति नहीं रहे हैं, वो एक समाज प्रेरक हैं, समाज सुधारक हैं, चिंता नायक हैं, दूरदृष्टा हैं। उनका विश्वास है जब तक सामाजिक शक्ति एकजुट होके समाज को खड़े करने में अपनी ताकत नहीं झोंकेगा, तब तक समाज की विकास नहीं हो पाएगा। हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं आज इस जन आंदोलन में भाग लिए हैं। मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी की सारे फैकल्टी लीडरशिप है, डूटा के नवनिर्वाचित नेतृत्व भी हैं बागी जी के साथ, और हमारे मेरे अत्यंत जिगर के टुकड़े प्रिय छात्र नेतृत्व भी है। डुसु की नवनिर्वाचित नेतृत्व भी हमारे साथ हैं। आज हम लोग ने तय किया, कुछ मेरे को जान के अच्छा सुखद अनुभव हुआ, कुछ कॉलेज ने अपने आप में, दौलत राम हो, मिरांडा हाउस हो, इन्होंने अपने कॉलेज में पहले से ही रिसाइकलिंग पेपर मशीन रखा है। मैं मेरे सहयोगी से बात करूंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी को धीरे धीरे एक स्वच्छ कैंपस बनाना केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, भारत की सभी कैंपस को छात्रों की जन भागीदारी से, अध्यापकों की जन भागीदारी से स्वच्छता की महान यज्ञ में हम सभी लोग अर्घ्य डाले, आहुति डाले, यही आज के दिन की संकल्पना है। आज ही से संकल्प सप्ताह ही पालन हम कर रहे हैं। सर, एक सवाल था कि बीजेपी या सरकार ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, विपक्ष इसमें शामिल नहीं हुआ है सर? ये तो समाज, देखो समाज में विपक्ष अकेले नहीं रहते। मेरे साथ जब मैं सफाई कर रहा था, बहुत उत्साह से, जिनके कोई राजनीतिक संपर्क नहीं, ऐसे नौजवान छोटे छोटे बच्चे आके अपने आप से ग्लोव्स मांगे, झाड़ू उठाए, पन्नी उठाए, प्लास्टिक के सीट उठाए। बहुत सारे कर्मचारी भाई बहन वो अपने औहदे नहीं दिखे, वो प्राध्यापक है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, कर्मचारी है, सबके साथ कंधे में कंधे मिला के उसमें जुड़ गए। स्वच्छता कोई राजनीतिक विषय है क्या? महात्मा गांधी जी ने जब आजादी का आंदोलन लड़ा, क्या उन्होंने स्वच्छता को इसीलिए चुना था कि उसमें राजनीति में बंटे? जिनको राजनीति करना है उनको मुबारक, हम तो देश निर्माण में लगे हैं। प्रधानमंत्री की आह्वान देश में अत्यंत सफल हुआ है। सबुठ बढ़िया मेसेज एटा हैला कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री निजे सबु सामर आसी की आम सांगरे और स्टूडेंट मानक सांगरे मिसी की ये स्वच्छता सेवा करिवा, निजे निजे आसी की करिवा। अमर सबु स्टूडेंट्स मिरांडा हाउस कॉलेज रु आछंती, वातावरण, एनसीसी, एनएसएस समस्ते मिसी की चलले, मंत्री आगो आगो गले, पिला माने पछे पछे चलले। ए जो मेसेजटा गला कि पूरा बिगिनिंग रु एंड सर आम साथी थिले और पूरा कॉलेज यूनिवर्सिटी सब संग गला, एटा सबुठ भलो हैला। आ ए मेसेजटा मु समस्त को देबी कि वी कैन लीड बाय एग्जांपल। कहले केन्द्र शिक्षा मंत्री जे आपन कॉलेज रे लागू कर क्लीन ड्राइव मशीन किछ रखाई छि, रिसाइक्लिंग एंड रिकंपोस्टिंग गोटे प्लांट अच्छी जिते पेपर यूनिवर्सिटी रे एबे, हां
अच्छा अच्छा जति की पेपर रिसाइक्लिंग हमें करी थिलु सेटा हमें गोटे प्लांट अच्छे जोथे हमें पुणी ताकु पेपर करके हम कॉलेज रे यूज करूचु हमें सेटा यूज करूचु सेटा हमरो पूरा जते जीरो वेस्ट करिया पे आ सेही पेपर को रीयूज करिया पे क्लाइमेट चेंज सब दी तीन टा कॉलेज रे करचंदी। हां निश्चित भाबे आपण सुनुथले निवेदिता केंद्र शिक्षा मंत्री मध्ये थिले मिरेंडा हाउस रे जे जणे ओडिया लेडी रहिछंती जे मध्ये प्रिंसिपल रहिछंती से मध्ये वार्ता दउथले निश्चित भाबे समस्तंकर प्रयास रहउछि जेमति केंद्र शिक्षा मंत्री कहिले किछि कॉलेज रे दिल्ली रे मिरेंडा हाउस तार एग्जांपल जो क्लीन मेसीन से माने रखुचंती जो प्लास्टिक जो कचरा डेली बाहर ताकू रिसाइक्लिंग करचंती जेमति कि कहुथले पूर्वरु केंद्र शिक्षा मंत्री मध्ये कहुथले छात्र मानकू जो पत्र जो काठ बा जो जोटा कि रिसाइक्लिंग हो पार जोटा खाद्य आकार गच्छ मानक व्यवहार करा जाई पारिबो तेणु ताकू अलगा कराउची प्लास्टिक कचरा को अलगा कराउची तेणु क्लीन मेसीन गुड़िक मध्ये किछि कॉलेज रे लागू करायलेनी तेंकु प्रायोरिटी बेसिस रे अन्य यूनिवर्सिटी अन्य कॉलेज रे केमती लागू करा जिवो से दिगरे आगामी दिन में कार्यक्रम करा जिवो बोली केंद्र शिक्षा मंत्री कहते हैं। आउ गोटे मध्ये पॉलिटिकल क्वेश्चन थिला केंद्र शिक्षा मंत्री को जे कोटना कोठे अपोजिशन ए कार्यक्रम रे किछि दल पार्टिसिपेट करनाते से दिगरे से मध्ये कथा रखिले जे क्लीन मिशन स्वच्छ भारत मिशन कौनसी राजनीतिक विषय नुहे एटी भारत कथा देशर कथा जो मानकर राजनीति सहित संपर्क नाई साधारण जनता से माने कार्यक्रम रे पार्टिसिपेट करछन तेणु किए जोग दबो किए न दबो से दिगरे आम फोकस करूनु कार्यक्रम चली कार्यक्रम आगो को आउरी जोरदार करा जिवो। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।